हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी साइकोलॉजिस्ट बात करने वाली हूँ मेडिटेशन के बारे में। जब भी हम किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के निवारण के बारे में बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करें, सेल्फ मेडिटेट करें, खुद से अपने आप अपनी श्वासों को गिनें, काउंट करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब तक आप करके नहीं देखेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि मेडिटेशन करनी है तो आप मेडिटेशन करेंगे कैसे। तो आज मैं मेडिटेशन के कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, साइंटिफिक टिप्स ऑफ मेडिटेशन जो बिगिनर्स फॉलो कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल बिगिन कर रहे हैं मेडिटेशन को, वो इसे फॉलो कर सकते हैं ताकि वो बहुत जल्दी मेडिटेशन को फॉलो कर पाए और अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से निकल पाए। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आप मेडिटेशन के वो स्मॉल स्मॉल टिप्स को फॉलो करके एक अच्छी डीप मेडिटेशन कर सके और अपने आप को हर तरह के तनाव से दूर रख सकें। तो चलिए, मैं शुरू कर रही थी कि मेडिटेशन क्या है। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप बाहर के एनवायरनमेंट से निकलकर खुद के अंदर जाते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप ये भूल जाते हैं कि बाहर वाला मोह माया वाला वर्ल्ड, मोह माया वाला जगत, उन सबको निकल के आप खुद में, खुद के अंदर अपनी कॉन्शियस स्पिरिट को महसूस करने लगते हैं। हम सब समझते हैं कि हम एक बॉडी है, हमारे अंदर एक सोल है और यही सोल है जो हमें गाइड करती है, यही सोल है जो हमें गलत काम करने से पहले रोकती है, यही सोल है जो हमें अच्छे काम करने पे अप्रिशिएट करती है, यही सोल है जो हमारे कर्म और धर्म दोनों से रिलेट करके हमें एक स्पिरिचुअल पावर पे, एक पावर ऑफ फोर्स, एक सुप्रीम पावर तक कनेक्ट करती है। तो मेडिटेशन कैसे करनी है अगर आप किसी तनाव में हैं या आपके थॉट्स चल रहे हैं। सोचिए, आपकी एक कान से आवाज़ आ रही है और एक कान से जा रही है, तो आपने ऐसे सोचना है कि आपका थॉट दिमाग में इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ से बाहर जा रहा है। इस सेंटर पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन पे आपने उसे नहीं लगने देना है। जैसे ही आप अपनी मेडिटेशन को शुरू करें तो यहाँ से अपने थॉट्स आएँ और यहाँ से चले जाएँ। आपका ध्यान हमेशा सेंट्रलाइज रहना चाहिए। जो मैं मेडिटेशन आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही बिगिनर मेडिटेशन है और अगर आप ये मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप बैठ के, लेट के, लेकिन लाइट बंद करके ये मेडिटेशन करें। जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे, थोड़ा सा आपका ध्यान बाहर की आवाज़ों से, बात के शोरों से चला जाएगा। आप अकेले कमरे में लाइट बंद करके अपनी मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, तो जैसे ही आप अपनी मेडिटेशन शुरू करेंगे, आप अपने कान में एक मेडिटेशन साउंड, एक लीड लगा लीजिए और कहीं से भी, एक यूट्यूब पे यूजली बहुत सारी मेडिटेशन साउंड्स हैं, बहुत सारी ओशो की मेडिटेशन साउंड्स हैं, उसको आप अपने लीड से कान में कनेक्ट कर सकते हैं। और आप अपनी ऐसी साउंड्स को आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ लीड का, हैंडसेट का अपने कान में प्रयोग करें ताकि बाहर वाली आवाज़ें आपको ना सुनाई दे। लाइट बंद करें और बिल्कुल चित अवस्था में लेट जाएं या बैठ के भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद अपनी दोनों आंखों के बीच में अपने केंद्र बिंदु पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके अपने शरीर को बिल्कुल शव की तरह महसूस करें। और जैसे ही आपका ध्यान आपके केंद्र बिंदु पर जाएगा, तब कोई भी एक शब्द जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद आपके नाम की शुरुआत, जैसे मेरा नाम नेहा है, तो मैं एन शब्द को अपने यहाँ पर बना सकती हूँ। आपको इमेजिन करना है, क्योंकि जैसे ही आप आँख बंद करेंगे आपको अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि वैसे भी लाइट नहीं जल रही है, आपका कान भी बंद हो गए हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने केंद्र बिंदु पर उस अंधेरे में इमेजिन करें कि आप एक क्लासरूम के बाहर खड़े हैं और उस क्लासरूम में एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है। उस ब्लैक बोर्ड पर चौक उठाएं और जो शब्द आपको, जो वर्ण, जो व्यंजन, जो अल्फाबेट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसे रेगुलरली लिखने की कोशिश करें। जैसे मेरे नाम, मेरा नाम एन से शुरू होता है, तो मैं एन आंख बंद करके 20 से 30 बार सिर्फ एन लिखने की कोशिश करूंगी। हो सकता है शुरुआत में आपको हाथ यूज़ करने की ज़रूरत पड़े जब आप एन लिखें, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, धीरे धीरे आप खुद एन को लिख पाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ एन को लिख रही हूँ, शुरुआत में शायद आपको हाथ के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े एन, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग आपको खुद इतना स्टिमुलस देगा कि जैसे ही आप इमेजिन करेंगे, आंख बंद करके अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप अपने आप वहां एन का इस्तेमाल, जैसे मेरा नाम एन से शुरू होता है, तो आप उसे कर पाएंगे। अगर आपका नाम किसी भी शब्द से शुरू होता है और वो अल्फाबेट से आपको प्यार है, आपको पसंद है, तो उसे लिखने की कोशिश करें। जैसे ही आप वो लिखना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपका पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन एक सेंट्रल पॉइंट पर आ जाएगा। अब आपके आने वाले थॉट, जाने वाले थॉट्स पर आपका कोई ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आप
आपका माइंड फुल हो गया है, इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन रेडी है कि मैंने क्या रेडी करना है। जैसे ही आप लिखते लिखते थक जाएं, एक पैटर्न बना ले, 10 बार 20 बार मैंने करना है। हो सकता है मेडिटेशन करने के दौरान आपको गिनती ना याद रहे, तो आपने गिनती के पीछे नहीं जाना है, हमने अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन पे जाना है। तो इसको 3 स्लॉट्स में करें। पहले स्लॉट में जैसे मैंने एन लिखा है, उसके बाद मैंने लंबे गहरे श्वास लेने हैं। लंबे गहरे श्वासों को महसूस करना है कि वो कैसे मेरे शरीर से, मेरी नाक से होते हुए, मेरी छाती को फुलाते हुए, हर जगह से कैसे मेरी पूरी बॉडी में पॉजिटिविटी दे रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल गश के साथ बाहर निकालना है। सोचिए आप किसी रूम में एक वेंटिलेटर चला रहे हो, तो गश के साथ अपनी अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालनी है और पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेके नेगेटिव थॉट को एक्सेल आउट करना है। जैसे ही आप नेगेटिविटी को एक्सेल करके पॉजिटिविटी को लेंगे, तो देखेंगे कि आपका वो एन वाला टेक्निक और आपका ब्रीदिंग टेक्निक आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन में लेके जा रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि जब आप पॉजिटिव सांस लेती हैं तो आपकी डेल्टा वेव्स अल्फा वेव्स में कन्वर्ट होती हैं और वो अल्फा वेव्स आपको पॉजिटिविटी देती है। बेटर ये होता है कि आप मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का समय वो टाइम है जब आपके आसपास का सारा समय पॉजिटिव होता है। क्राइम रेट अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहीं होते हैं, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो आपको कहीं ना कहीं और पॉजिटिविटी देगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कभी टेंशन है, कभी प्रॉब्लम है, तो आप ये मेडिटेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, अपने कान में कोई लीड्स या कोई सॉन्ग चलाना है। दूसरा, आपने लाइट्स बंद करनी है। तीसरा, एक स्टेबल स्थिति में रहना है। चौथा, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन पे लुक करना है। फिफ्थ, थॉट्स को नज़रअंदाज करना है। सिक्स, अपना कोई फेवरेट वर्ण या अपना कोई भी फेवरेट अल्फाबेट अपने दिमाग में बनाना है। और सेवन, आपने अपनी ब्रीदिंग्स को कंट्रोल करना है। लिखने पे या याद करने पे या कितनी बार आपने रिपीट किया उस पे ध्यान ना दें, ध्यान सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन पे दें। धीरे 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 आपको नींद आ जाएगी और धीरे धीरे आपका जो शरीर है, आपका जो मस्तिष्क है या जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, वो अपने आप इवैक्यूएट करने लगेंगे। तो इसको यहीं तक ना रोकें, इस वीडियो को शेयर करें और इसे ट्राई करें। जैसे ही आप ट्राई करेंगे, आप बहुत सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर महसूस करेंगे। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक और मेडिटेशन पार्ट 2 आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आपको लगे कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन विंडो में है। मुझसे बात करें, कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए खुद को खुश रखें, मेडिटेशन करें और अपने अंदर अपना भगवान ढूंढें।